अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक डिस्कशन है वो बेसिकली सेंगो है। सेंगो बेसिकली एक स्टैंडर्डाइज एक्सट्रैक्ट्स हैं दो हर्ब्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जिंको बायलोबा है और सेकंड इसके अंदर जिनसिंग है। जिंको बायलोबा जो इसके अंदर डाला गया है जिगजो की फॉर्म में वो है 800 mg और सेकंड में इसके अंदर जिनसिंग डाला गया है वो है 400 mg। तो सबसे पहले आपको सेंगो की प्राइस पता चलूँ। सेंगो जेनेटिक्स फार्मा का प्रोजेक्ट है जिसकी प्राइस है 750 rupees ओनली। तो इसके अंदर आपको 30 टैबलेट्स मिलेंगी और इसकी प्राइस हमें गाइड करती है। इसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स क्या हैं? ये आपके अंदर इम्प्रूव करता है स्टेमिना को, आपके अंदर इम्प्रूव करता है अटेंशन को और साथ में आपके अंदर एनर्जी को प्रोवाइड करता है, आपकी मेमोरी को बूस्ट करता है, आपके अंदर कॉग्निशन को इंक्रीज करता है, जितने भी आपके कॉग्निटिव फंक्शंस हैं उनको इम्प्रूव करता है और साथ साथ आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हम मैकेनिज्म पर चलते हैं, कैसे काम करता है, इसके फंक्शंस कैसे हैं। तो इसके दो इंग्रेडिएंट्स हमें बताए थे, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे जिनसिंग 400 mg को। तो जिनसिंग 400 mg जो डाला गया है इसके अंदर जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो होते हैं बेसिकली मेन फार्माकोलॉजिकल जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो जिनसेनोसाइड्स होते हैं। जिनसेनोसाइड्स आपकी बॉडी के अंदर क्या करते हैं? जिनसेनोसाइड्स आपकी बॉडी के अंदर ये फंक्शन प्ले करते हैं कि ये आपके अंदर ग्लूटामेट का जो है उसका रिलीज ज़्यादा कर देते हैं। जो ग्लूटामेट की प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करेंगे सेरेब्रो कॉर्टिकल रीजन में, उसकी वजह से आपके अंदर ब्रेन के अंदर जो है वो एक मेमोरी को बूस्ट मिलेगा और साथ ही साथ आपकी बॉडी के अंदर बहुत अच्छे आप बिहेवियर चेंजेस देख सकते हैं, जिसके अंदर आपके कॉग्निटिव फंक्शन इंक्रीज हो जाएगा और साथ ही साथ ये आपकी इम्यूनिटी को कैसे इंक्रीज करता है। इसके अंदर दो एक्टिव कॉन्स्टेंट होते हैं, जो RD कॉन्स्टेंट होता है उसमें थायमिन साइटोकाइनिन 1 और थायमिन साइटोकाइनिन 2 प्रोड्यूस करना होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को एक इम्यून बूस्ट मिलेगा। उसके अलावा जो जिंको बायलोबा है, जिंको बायलोबा ने सोमैटोसेंसरी रीजन में एक्ट करके आपकी ब्रेन के अंदर ग्लूकोज की जो कंजम्पशन है उसको कम कर देना है। जब ग्लूकोज की कंजम्पशन कम हो जाएगी साथ ही साथ इसने आपके अंदर ब्लड सप्लाई को रेज कर देना है। जो भी ब्लड सप्लाई आपके ब्रेन को पहुंच रही है उसको जब ज़्यादा कर देगा और प्लेटलेट एक्टिवेशन फैक्टर को इंक्रीज कर देगा तो उसकी वजह से हमें बहुत से अच्छे इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ इन दोनों का फंक्शन ये भी होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो एपोप्टोसिस हो जाता है, जो नॉर्मल मैकेनिज्म है एपोप्टोसिस का, तो उसकी वजह से फ़ायदा ये होता है कि आपके अंदर जितनी भी मेमोरी इंपेयरमेंट या डिमेंशिया हो जाता है वो ख़त्म हो जाता है। तो कॉमनली अगर इसको हम नॉर्मल आसान अल्फाज में समझाना चाहें आपके अंदर बॉडी के अंदर सेंगो ने क्या क्या रोल प्ले करना है, सबसे पहले ये आपकी मेमोरी को बूस्ट करेगा। जिन लोगों को याददाश्त का मसला रहता है वो बातें भूल जाते हैं या वो डिमेंशिया का शिकार रहते हैं, उनको बहुत जल्दी याददाश्त कमज़ोर हो रही है एजिंग की वजह से या वैसे कॉमनली हो गया, तो उसके अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सेंगो को। नंबर सेकंड पे आता है आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है। बेसिकली जो जिनसिंग है वो मेल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी मेल फिजिकल हेल्थ को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है, आपके यहाँ जितनी भी टायर्डनेस है उसको ख़त्म करेगा, आपके स्टेमिना को बूस्ट करेगा और साथ ही साथ ये आपकी मेल सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और उसके अलावा ये आपके ब्रेन को, जैसे मैंने बताया था कि ब्रेन के अंदर ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को कम करेगा और ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करेगा, तो उसकी वजह से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले आपको ये है कि आपके कॉग्निटिव फंक्शन इंक्रीज हो जाएंगे। कॉग्निटिव फंक्शन के अंदर कौन कौन से फंक्शन आते हैं? कॉग्निटिव फंक्शन हम उन फंक्शन को कहते हैं जो आपके सोचने और समझने की सलाहियत है, जिसके अंदर हम कोई भी चीज़ तख्लीक कर रहे होते हैं, जो आपकी तख्लीकी सलाहियत हैं उसको हम कॉग्निटिव फंक्शन कह सकते हैं, तो उसको बढ़ा देगा। नंबर फोर्थ पे आता है कि ये आपके स्टेमिना को इंक्रीज करेगा। स्टेमिना को मैंने बताया है कि जिनसिंग आपकी बॉडी के अंदर जो फिजिकल हेल्थ है उसको बूस्ट करता है। नंबर फिफ्थ पे ये आपके ब्रेन को मॉड्यूलेट करता है। ब्रेन को मॉड्यूलेट कैसे करता है कि आपकी ब्रेन की याददाश्त जो है उसको बढ़ाएगा, आपकी नर्व सप्लाई बेहतर बना देगा ब्रेन के अंदर, तो उसकी वजह से आपको जो याददाश्त कमजोरी का मसला हो गया वो ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका मेन फायदा ये है कि जो जिनसिंग है वो आपको कैंसर के खिलाफ भी फायदेमंद है, जितने भी आपके ब्रेन कैंसर के इश्यूज हैं उससे भी आपको बचाता है। उसके अलावा जिंको बायलोबा आपके लिए जो ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत एसेंशियल है। नंबर सिक्स पे आता है जी इम्यूनिटी का फैक्टर। इम्यूनिटी का जो फैक्टर आता है ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। वो मैंने बताया था थायमिन साइटोकाइनेंस 1 प्रोड्यूस करके और साइटोकाइनेंस 2 थायमिन प्रोड्यूस करके आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। जो इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं उसका फ़ायदा ये होता है आपके अंदर जितने भी आजकल इस तरह कोविड का इशू आया हुआ है, आपको कोविड हो सकता है या आपको नज़ला जुकाम हो सकता है या आपको कोई भी इन्फेक्शन हो सकती है, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगी। तो इसीलिए आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले बहुत अच्छी दो हर्ब्स हैं। तो डेली आप इसको 1 tablet या 2 tablets ले सकते हैं मॉर्निंग में, या आप एक सुबह और एक शाम ले सकते हैं। तो आपको मैंने आपको बताया उसके क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे आपको। आपका स्टेमिना इंक्रीज़ हो जाएगा, आपकी अटेंशन इंक्रीज हो जाएगी, जो आप कई याददाश्त कमज़ोर होने की वजह से या वैसे खोए खोए रहते हैं या आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन डेफिसिट
होता है कि आप फोकस नहीं होते तो आप फोकस ऑरियंटेड हो जाते हैं। नंबर थर्ड पे आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा बाय फोर्स इंक्रीज कर देगा, आपकी डेली एक्टिविटीज जो परफॉर्म कर रहे हैं उसमें आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। नंबर फोर्थ पे आता है जी मेमोरी, मेमोरी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, जो आपको याददाश्त की कमजोरी का मसला है वो ठीक हो जाएगा। नंबर सिक्स पे आ जाए जी कॉग्निशन, कॉग्निशन को बताया कि आपके सोचने समझने की सलाहियत और साथ साथ जिसको हम तख्लीकी सलाहियत कहते हैं उसके अंदर निखार पैदा करेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट जी इम्यूनिटी को इंक्रीज करेगा। अब इम्यूनिटी जो है एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है आपके सप्लीमेंट्स के अंदर, जो इम्यूनिटी है वो आपको बूस्ट हो जाएगी तो आपको जो कॉमन डिजीज हैं जिसमें नज़ला जुकाम खांसी बुखार या आप कोरोना जैसी बीमारी है आपको उससे बचत कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आपका कोई भी सवाल हो या आपका कोई भी फीडबैक हो तो लास्ट में कमेंट से पोस्ट करें। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू।